बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदात नदात दस्त यजीद, हक्का के बिना इला हस्त हुसैन। जो ढाई हाथ मन्नत के हैं, सभी मन्नत वाले लोग हैं जिनकी आस्था है और मन्नत जुड़ी हुई है। हमारे को जो 100 तलवारें मिलती हैं, उसी तलवारों से हम लोग खेलते हैं और प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। मेरा नाम प्रेमलता है, वे सास से, दादे सास से चल रही है पीढ़ी। पंचायत अंदर कोटियान की अंग्रेजों के ज़माने से तलवार हमारे गजट में लिखा है हमारे। हेलो दोस्तों, आज मैं अजमेर शरीफ में आपको, मैं जो नीचे से दिखा रहा हूँ, यह अखाड़ा चल रहा है। यहाँ कुछ ही देर में आयतो सोनाली है, जो इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर जिस बच्चे की अगर मन्नत पूरी होती है तो ढाई हाथ यहाँ पर तलवार से खेलता है। और ये इमाम अली मकाम का, अजमेर शरीफ का जो है इमाम बाड़ा है। और यहाँ पर कुछ देर में भी आपको नीचे दिख रहे होंगे कुछ लोग खड़े हुए हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर ढाई हाथ मन्नत के, जो कि आस्था का रूप है अजमेर शरीफ में। और 800 साल से तकरीबन ये जो है यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम होता आ रहा है अजमेर शरीफ अताई चौक, जो कि ढाई दिन के रोपड़े के ठीक नीचे है। तो अगर आप वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो पर बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, ताकि अजमेर शरीफ के मुहर्रम जो है लोग देख सकें। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आयदो शुरू होने वाली है, ये हो चुकी है। जितने भी गल इनका ढाई हाथ मन्नत का है और बाकायदा प्रशासन से परमिशन लेके इस कार्यक्रम को अंजाम पहुँचाया जाता है और प्रशासन की देखरेख में इसको पूरा किया जाता है। अगर प्रशासन देती है परमिशन, तभी ये परंपरा जो है पूरी होती है। मगर ये आस्था का रूप है, इसलिए परमिशन मिल जाती है और बराबर आदमी यहाँ पर जो ढाई हाथ मन्नत के हैं, सभी मन्नत वाले लोग हैं जिनकी आस्था है और मन्नत जुड़ी हुई है, तो ये ढाई हाथ अजमेर शरीफ से हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ के पूरा, और आप भी इस वीडियो पर बने रहें। और अजमेर शरीफ से पूरा ये वीडियो जो है, मैंने आपके हाथ से घंटे भर खड़े होकर पूरा आपके हाथ से वीडियो तैयार करा है, तो आप वीडियो पर बने रहें। और यहाँ पर जो है बीबीओ पडोला बनता है, जो कि इन आयदों के बीच में ढाई दिन के झोपड़े से मसीह के साथ में यहाँ पर इमाम बाड़े में आएगा कुछ ही देर में डोले शरीफ। अभी मैं आपको डोले शरीफ भी दिखाऊंगा, जो कि अजमेर शरीफ के डोले शरीफ हैं। और खादी मोहल्ले में ताजी शरीफ बनते हैं, और अंधकोट में जो है डोले शरीफ बनते हैं, जो कि बीबीओ के डोले होते हैं। और ये मुहर्रम की 9 तारीख को रात को 9:15 बजे का टाइम है, नाइट में हर साल इसी तरह यहाँ पर ढाई हाथ मन्नत के खेले जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि आयदोस। आयदोस का नाम दिया गया है कि आयदोस से मान्यता ये है कि बस हम हुसैन के चाहने वाले हैं, इसलिए इसको आयदोस कहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ चारों तरफ हरा ही हरा पहने हुए हैं लोग, क्योंकि इमाम अली मकाम के मुहर्रम में ज़्यादातर हरा ही पहना जाता है, जिसको फकीरी कहते हैं। ये ज़्यादातर फकीरी पहने हुए हैं कुछ लोग, और सारा मन्नत का है साहब। तो दोस्तों, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर ढाई दिन के झोपड़े से मसीह खानी के साथ में सवारी यहाँ पर आने वाली है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वीडियो छोड़ के ना जाएं, अजमेर शरीफ से ये वीडियो आपको दिखाई जा रही है, तो वीडियो पर बने रहें। और ये बाकायदा पूरी प्रशासन की निगरानी में ये ढाई हाथ मन्नत के जो है खेले जा रहे हैं, और ये प्रशासन की ही तरफ से दी गई हैं तलवारें, जिससे आयदोस खेली जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। और ये नॉर्मल तलवार हैं, इनमें कोई धार नहीं है, बिल्कुल सादी हैं, जिससे किसी के खून खराब होने का अंदेशा नहीं होता है, और सभी आराम से अपनी मन्नत को, अपनी आस्था को पूरा कर लेते हैं। तो आप वीडियो पर बने रहें, कुछ ही देर में यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ ही देर में यहाँ डोले शरीफ आने वाले हैं, जो कि बीबीओ के डोले खिलाते हैं।
तो दोस्तों अभी कुछ ही देर में आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है बीबीओ का डोला जो कि अंडरकोट में ये बताया था मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में, और ये इमाम अली मकाम का इमाम बाड़ा है जहाँ पर अभी कुछ ही देर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लोबान आ चुका है यानी कि सवारी यहाँ पर बराबर आ रही है, तो अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके कि यहाँ पर ये देखें आप सामने ये ढाई दिन के ऊपर की सीढ़ियों से ठीक नीचे की तरफ उतर के और सवारी कुछ देर में यहाँ पर हताई चौक इमामबाड़े के अंदर आने वाली है। तो आप वीडियो पर बने रहें और बीबीओ का डोला कुछ ही देर में इमाम अली मकाम के बाड़े में आने वाला है जो कि कर अभी टाइम लगेगा। लोबान आ चुका है, लोबान हो रहा है बराबर और पड़ते सवारी मच्छियों के साथ आ रही है। अंधेरा काफ़ी है, लोबान हो रहा है तो मैं आपको उसके ऐसे पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, मगर मैं भी आपको कैमरा घुमाकर जहाँ से सवारी अभी इधर आने वाली है मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आए दोस्त चल रही है यहाँ पर नीचे, मैंने जैसे कि बताया था आपको कि ढाई हाथ मन्नत के हैं जो कि अजमेर शरीफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जितने भी हैं हरे कपड़े में ये हुसैन की फकीरी पहने हुए हैं। ये देखो दोस्तों सवारी आ चुकी है, मशाल आ गया है बिल्कुल सामने की तरफ और सवारी आ रही है, तो ताकि पब्लिक को इधर उधर हो जाए और सवारी में कोई दिक्कत नहीं आए इसलिए ये पब्लिक जो है पूरी आपको अभी कुछ ही देर में यहाँ पे डोली शरीफ की सवारी आने वाली है। आप वीडियो पर बने रहें, बस सवारी आ ही गई इमाम अली मकाम के इमाम बाड़े में बीबीओ का डोला। ये देखें आप या ताई चौक अंदरकोट जो कि ढाई दिन के झोपड़े के ठीक नीचे है वहाँ पर जो है ये सवारी हो रही है, और कुछ ही देर में ये सवारी यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी और जो अताई चौक इमाम बाड़े पे रात भर आपका मुकाम होगा और दोपहर दो बजे दो से ढाई के बीच में यहाँ से सवारी चलेगी और केलबाव पहुँचेगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अजमेर शरीफ डोले की सवारी आपको कैसा लगी, और मैं 10 तारीख की जो है आए तो आपको सुबह दोपहर दो बजे की भी दिखाऊंगा, और ये 9 तारीख रात को 9:15 की है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2019 की ये तारीख साल है 2019 का, और ये इमाम अली मकाम की पूरी सवारी ठिकाने पर आ गई है अपने मुकाम पर। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताना।